मंडे से अगर आप काम चालू नहीं हुआ तो आप बिल्कुल ये मेरा स्टेटमेंट आवाम तक पहुंचा दीजिए। मंडे से आप बोलिए मैं क्या करूं मंडे से काम चालू नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं खड़ा रहूंगा। चलो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये आप मेरा वादा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा। अगर मंडे से वो काम चालू नहीं होता तो मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं करूंगा। चलो कैसे भी कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। और आपकी मालूम मीडिया के सामने बोल रहे, अरे साहब मैं देखो एक बात बोला, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का नगर सेवक है। अभी हमारी सरकार है बलिफाय एंड मेट्रोफिनिक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, येथे हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत होणार आहे। मोफत एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी शिबिर, हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया उपलब्ध। हा शिबिर 20 जुलै ते 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत राहणार आहे। आमचा पत्ता आहे ABC कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागे जिल्हा न्यायालया समोर अदालत रोड औरंगाबाद। ये लोगों के घरों में भी चले जा रहा कवर कर रहे हैं। एक साल से कंटिन्यू ऐसी पानी बह रहा है, लोगों के घरों में ड्रेनेज का पानी चले जाता है। क्या कहेंगे आप, महानगर पालिका इतना दुर्लक्ष क्यों कर रही है इसे? नहीं नहीं, ये तो मैं आज देख चुका हूँ कि बहुत बुरी बात है। अभी ये मौसम ऐसा है कि बारिश के दिन है और ये ड्रेनेज लाइन का पानी रास्ते पर ऐसा बह रहा है जैसा कि नल का पानी जा रहा है। बहुत बुरी बात है। इसके वजह से क्या होगा कि बाल बच्चे छोटे मोटे बुजुर्ग लोग के बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन ये बहुत बुरी बात है, कॉरपोरेशन ने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी हम तत्काल, आज तो छुट्टी है 2 दिन की, लेकिन सोमवार के दिन जाके कमिश्नर साहब से बैठ के बात करेंगे और ये काम जो है अभी जो देख रहे हैं ये पूरा, ये तत्काल इसको ये जो ड्रेनेज लाइन का काम करने को लगाएंगे। मसले क्या क्या है पूरे बताना।
के सामने का एरिया है, अभी आप यहाँ पे सर्वे करने के लिए आए सर के साथ में, क्या कहेंगे ये चीज़ देखने के बाद में कमिश्नर? यहाँ पर हमने अभी हमारे जिला अध्यक्ष को बुलाया है, अभी भाव ने पूरा सर्वे किया है हमारे यहाँ पर, और भाव ने यहाँ पर ऐसा आश्वासन नहीं दिया है यहाँ की आवाम को कि हम काम कराएंगे करेंगे। कोई उधारी की बात हमारे पास पार्टी में चलती नहीं है, हमारे पास जो भी बात रहती है हम ठोक बात करते हैं। क्या हाल है महानगर पालिका, क्या सो रही है क्या? हम उसको जल्द से जल्द पीर के दिन बुलाकर उसको काम स्टार्ट करने लगाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्टर से पहले एमएन के सगे पति थे, उनको यहाँ के लोगों का बोलना है कि उन्होंने कुछ यहाँ पे विकास किया ही नहीं, तो आगे यहाँ पे राष्ट्रवादी की क्या भूमिका रहेगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मतीन सैयद नगर सेवक ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है और वो अभी हमारे राष्ट्रवादी पार्टी में ही है। हम उसको एमआईएम में थे जब भी उन्होंने अच्छा काम किया है, और अभी हमारे पार्टी में आए जब भी उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, कुछ राजकारणी पार्टी ऐसी है कि काम करने से उनको रोका जा रहा है, उनके ऊपर झूठे गुने झूठे सारे चीज़ें दाखिल करके उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए हमने शहर अध्यक्ष को यहाँ बुलाया है, हमारे शहर अध्यक्ष कड़ा निर्णय लेंगे और इंशाल्लाह पीर के दिन यहाँ से काम चलूँगा। आसिफ कॉलोनी जय भीम नगर, हाँ जय भीम नगर आसिफ कॉलोनी। हाँ, तो हमारा मुद्दा ये है कि पिछले एक साल से डेढ़ साल से मैं वहाँ की न्यूज़ें कवर कर रहा हूँ मैं जी, और वहाँ पे जो गंदा पानी ड्रेनेज का है अब इस कदर वहाँ पे हालत खराब हो चुकी है कि लोगों के घरों में घुस रहा है जी। आपकी सरकार है, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते, फिर क्यों डेढ़ साल का उसको तो वक्फा गुजर गया और आज भी काम पूरा नहीं हुआ और आपके शहर अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष को यहाँ पर आना पड़ा विजिट के लिए? देखिए मैम, आपकी मालूमात में सबसे पहले इजाफा ये कर दूँ कि आप जो डेढ़ साल का वक्फा बोल रहे, तो मेरी मालूमात के हिसाब से ये जो पानी जो है बहरा गंदा, तो एक से डेढ़ महीने से बह रहा है। और टाउन हॉल के जो ब्रिज के नीचे का जो मसला था, तो मैं जब कॉरपोरेटर था तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो मैंने आपके आपने भी देखा होगा कि वहाँ पर एक अपन ने पेवर ब्लॉक ये वो पूरा अच्छे से काम कर चुके थे। मगर मैं यहाँ कुछ 13 महीने जो है तो MPDA में जाने की वजह से, कुछ राजकीय जो मैं पिछले जो पक्ष में था उन लोगों की साजिशों के कारण मैं अंदर जाने की वजह से वो बाहर आए तक जो है तो उसने वो काम को पूरा ख़राब कर दिए। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे क्या थे उनको समझ में नहीं आया। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि टाउन हॉल का जो ब्रिज के नीचे जो पानी आता है, वो जो चंबर का जो पानी आ रहा है, तो गली के अंदर कुछ थोड़ा सा ड्रेनेज का प्रॉब्लम था और ठेकेदार जो है तो कोई काम लेने को तैयार नहीं थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं राष्ट्रवादी में प्रवेश करा तो जब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई काम रुका नहीं। और आप ये जो ड्रेनेज का जो काम बोल रहे, तो ये काम एक बबन हिवाड़े नाम है ठेकेदार, उन्होंने ले चुके और ये काम मंडे से स्टार्ट हो रहा। थोड़े बिल के मसाइल है, बजट के मसाइल थे, तो ठेकेदारों को रिक्वेस्ट करके कन्वेंस करके काम करा के लेना पड़ रहा, तो ये काम मंडे से काम चालू होने वाला है। और जाप जो ज़िला सदर की जो विज़िट हुई, तो उनके विज़िट करने का मकसद ये था कि वो ये देखना चाहते थे कि भाई काम क्यों रुके हुआ है। मेरे बुलाने के ऊपर वो यहाँ पे आए और उन्होंने हमारे महानगर पालिका में भी फॉलोअप दे के, मैं आपको लेटर भी देता, 15 दिन पहले लेटर दिया गया। आप बोल रहे मैंने 15 दिन पहले लेटर दिया गया, आप कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व थे कि भाई हम करा रहे ये करा रहे, तो हमने बोला ठीक है भाई काम हो रहा, मगर वो मेरे को मालूम था काम नहीं हुआ। तो हमारी पार्टी के शहर सदर को मैंने बोला, एक पत्र दिया, पत्र के साथ डेट के साथ इन्वर्ट किया, कॉपी भी मैं आपके पास दे देता। तो बबन हिवाड़े नामी जो कॉन्ट्रेक्टर है ये काम उनको दे गया और ड्रेनेज का काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब रही बात टाउन हॉल के ब्रिज के नीचे की जो घान गंदगी है, वो भी काम बबन हिवाड़े को दिया गया। गट्टू पेवर ब्लॉक डबल से बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर डबल से काम किया जा रहा है। और ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली गेट का जो पानी है, जब दिल्ली गेट का पानी ओवरफ्लो होता, ओवरफ्लो होने के बाद हिमायत बाग से कैनल है, हिमायत बाग से कैनल होते हुए वो जो कमल तालाब में आता, और कमल तालाब ओवरफ्लो हो गया पूरा ब्रिज के नीचे आता। तो हमने क्या करे थे, खाम नदी को वो पानी टर्न करना था हिमायत बाग से। तो ख्वाजा अमीनुद्दीन बोल के, बकुरिया साहब कमिश्नर थे आपकी मालूमात के वास्ते, तो उन्होंने ख्वाजा अमीनुद्दीन को बोल के वो जो तो उसका काम दिए थे। बब्बू हमारे बब्बू भी वहाँ मौजूद थे उस टाइम MCN पे अपने स्टेटमेंट जब मैं, तो आधा कैनल का काम हो चुका था, मगर मैं नहीं होने की वजह से वो भी काम पेंडिंग हो गया। और आप जो बोले आपकी सरकार है, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया, शहर सदर अब्दुल खदीर मौलाना, हमारे बब्बू भाई, ये हमारे कार्यकर्ता, ये शहरपति जितने भी लोग हैं, तो हमारा कोई काम रुका नहीं आज तक। आप शहर अध्यक्ष की आज विजिट हुई, आज आपको उन्होंने बोले मंडे से काम चालू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह जरूर मंडे से काम चालू। जब से राष्ट्रवादी में शामिल हुआ, जब से काम रुका नहीं, तो फिर आपने तो तकरीबन 4 साल का कार्यकाल आपका MIM में पूरा किया मेरे ख्याल से ज्यादा। नहीं देखो, मैं 4 साल कुछ भी काम नहीं किया। 4 साल आप मेरे वार्ड के अंदर जाके
मेरी गैर मौजूदगी में डोर टू डोर सर्वे कर लो, मेरे वार्ड के रोड, मेरे वार्ड के लाइट, ड्रेनेज के प्रॉब्लम, पानी के, आपकी मालूमात क्या है, मेरे वार्ड में दो टाइम पानी आता। काम तो हुए ना, काम पूरे हुए। एमआईएम में थे मगर मैंने एमआईएम में रह के खुरबानी भी दिया मैंने, आपकी मालूमात में इजाफा कर लो। नहीं, मकसद ये है कि वार्ड आपका अभी फिलहाल गंदा है। कौन सा वार्ड गंदा? ये ब्रिज के नीचे का बोल रहे हैं आप? खाली जयभीम नगर की बात बोला मैं, ब्रिज के नीचे और जयभीम नगर की। पानी वहाँ से घरों में लोगों के जा रहा, तो मेरा इतना बड़ा सोल्यूशन आप? अरे मेरे भाई, तो मैंने 15 दिन पहले आपकी मालूमात में आपको उसी देता मैं, 15 दिन पहले मैंने हमारे राष्ट्रवादी के लेटर पैड पे हमारे फड़ साहब जो है तो उनको लेटर दिया और उन्होंने बबा निवाड़े नामी को काम दिए। और प्रॉब्लम ये हो रहा है कोई ठेकेदार काम लेने को, हमारी सरकार है तो हम तो काम देने को बैठे हुए, कोई काम ले रहा नहीं। अगर आपके पास कोई ठेकेदार तो आप लाइए, हम काम देने को बैठे हुए। काम नहीं देने की किसकी? ठेकेदार। वजह ये है कि उनके बिल नहीं मिल रहे। अच्छा, बिल नहीं मिल रहे कि महानगर पालिका की हालत थोड़ी खस्ता है, खस्ता है, इसलिए वो वजह ये। मगर हमारे जो है तो और जो है तो खास तौर से औरंगाबाद शहर के अल्पसंख्यक इलाकों के लिए निधि देने वाले हैं, उसका प्रयत्न चालू है, बजट भी लेंगे वो भी। बाकी मेरे को और आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्ला कॉलोनी और कई काम है, कुछ मसाइल बताओ, आप पूछिए, मैं उसका जवाब देने के लिए बैठा आपको। बोलिए। आपने मेरे को, आपने जैसा बताया कि मैं जब से राष्ट्रवादी में आया, जब से मेरा, मेरे को बस वो एक ही बात थोड़ी सी लग रही कि भाई आप 4 साल का कार्यकाल में आप बात रहे कि मैंने सब काम किया। हाँ। फिर आपके ये अल्फाज क्यों निकल रहे कि मैं जब से राष्ट्रवादी में आया, जब से मेरे काम? अरे 4 साल मैंने जो काम किया ना, तो मजलिस के सिंबल पे काम नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो अल्लाह के हुक्म से, मैंने मेरे गॉड गिफ्ट है, मैंने सबक में मेरे बोल के मसाइल हल किया, कोई मजलिस के सिंबल पे मेरे काम नहीं हुए, आपकी मालूमात में इजाफा कर लो। लेटर नहीं देते थे आप? कौन सा लेटर देते थे ना, तो सिंबल रहता हूं सो सैयद मतीन की शख्सियत पे हुआ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा। मजलिस के वजह से सिर्फ मेरे पे केसेस हुए, गुने दाखिल हुए सिर्फ ऊपर 13 केसेस मेरे पे, 7353 है महानगर पालिका के मेरे ऊपर, आपकी मालूमात में इजाफा कर लो। पानी के मसाइल को ले, गुने दाखिल हुए तो जिम्मेदार मजलिस थोड़ी है। कौन मजलिस है? तो मैं मेरी शख्सियत पे बोला ना, मैंने कुर्बानी मैंने दिया ना मेरी शख्सियत पे, मैं बोल रहा ना आपको जिम्मेदारी के साथ, मैंने जो करा तो मेरे को कोई पछतावा नहीं है, मैंने लोगों के लिए लड़ा। लो मेरे पे पानी के 353 है, मैं पानी के लिए जेल में गया, आप मालूमात में इजाफा कर लो। हाँ, मैंने तो ड्रेनेज के मसाइल को लेकर लड़ा सभागरा में। हाँ, तो फिर मजलिस का क्या? अच्छा, मजलिस वालों ने क्या मेरे को वकील लगा के छुड़ाया क्या मेरे को? अरे बस सिंबल पे आया मैं, चुनके आप बोल रहे सिंबल पे आया चुनके मैं, तो ठीक है। अभी मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ने वाला है औरंगाबाद शहर, राष्ट्रवादी बोलेंगे तो जब मैं राष्ट्रवादी के सिंबल पे नहीं तो नहीं तो अरे तो भाई पार्टी मेरी मदद कर रही, मेरे को मॉरल सपोर्ट कर रही, तो मैं पार्टी का नाम ले रहा ना, मेरे को मजलिस ने मदद नहीं। एक साल भी नहीं हुआ एनसीपी में जाके। अरे तो मेरे को एक साल में उन्होंने बहुत कुछ करके दिया ना, मेरे को काम करके दिया ना करके, मैं पार्टी का नाम ले रहा, मजलिस ने कुछ नहीं करके दिया करके ना खिलाफ। आप ये वादा कर लीजिए डेनिश का काम आप मंडे से चालू कर, मंडे से आप, मैं आपको एक बात बोल रहा, अगर मंडे से ये काम चालू नहीं हुआ मंडे से, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता, शहर अध्यक्ष की अध्यक्षता में बोल रहा, मंडे से अगर आपका काम चालू नहीं हुआ तो आप बिल्कुल ये मेरा स्टेटमेंट आवाम तक पहुंचा दीजिए मंडे से। आप बोलिए मैं क्या करूं मंडे से काम चालू नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं खड़ा रहूंगा। चलो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये आप, मेरा वादा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अगर मंडे से वो काम चालू नहीं होता तो मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं करूंगा। चलो कहीं से भी कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। और आपकी मालूम के सामने बोल रहे? अरे साहब मैं जो मैं देखो एक बात बोला, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का नगर सेवक है, अभी हमारी सरकार है, तो मैं मेरे शख्सियत पे काम नहीं हो रहा, ये मेरी पार्टी की वजह से काम होने वाला करके इतनी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा।